الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل أخرة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا व अनतताजालज नाजाश तसहला आमीन या रब्बल आलमीन किताब सालिहीन में आज हम जिस बाब के मुताले का आगाज़ करेंगे उसका है बाब अमरू वुलातिल तमूर ब रफ़ बिरआया हम व नसी हति व शफ़त आलिम व न ही अन गश हिम व तशदीद आल हिम व इमाली मसालम वफलत या अन हम व अन होवाजिहम तफसली तर्जमा है बाप का कि ये बाप है कि जिसमें अलमरू वालतम वो लोग के जो मामल के इंचार्ज हैं जिनके हाथ में मामलात हैं चाहे वो हाकिम हो चाहे वो किसी दफ्तर के बॉस हो किसी अदारे के मुहतमिम हो चाहे वो कोई उस्ताद हो और कुछ तालब इलम उनके ताबे हों ये सब एक तरह से बलातुलमूर में आते हैं तो वो लोग के जो ज़िम्मेदार हैं जिनके नीचे कुछ लोग हैं जिनके ताबे कुछ अफराद हैं उनको हुक्म देना किस बात का बे रिफ़ बे राया हम कि वो नरमी का मामला करें उन लोगों के साथ जो उनकी रियाया हो अरबी में राया पढ़ते हैं उर्दू में रियाया रा की जेर के साथ और वैसे तो आपको मालूम है कि जदीद जो डिक्शन है उसमें में रियाया का लफ्ज़ एक डरोगेटिव टर्म है एक पेजोरेटिव टर्म है नेगेटिव टर्म है और कहा जाता है कि भाई रियाया का लफ़ बुरा होता है और इसका तर्जुमा अंग्रेज़ी में सब्जेक्ट किया जाता था और अब जो है वो सिटीज़न होते हैं पहले बादशाह होते थे और रियाया होते थे अब हुक्मरान होते हैं और शहरी होते हैं सिटीज़न होते हैं तो बहरहाल ये रियाया के लफ्ज़ को भी डीमानाइज किया जाता है और उस पर तनकीद की जाती है हालांकि अगर हम गौर करें तो ये बहुत ख़ूबसूरत लफ्ज़ है आगे अदीस में भी ये लफ्ज़ आएगा यानी वो लोग के जिनकी जिम्मेदारी सौंपी गई है रियाया कौन होते हैं जिनकी रियायत ज़रूरी है जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है जिनकी देख रेख ज़रूरी है जिनकी टेक केयर ज़रूरी है तो बहरल ये वो लफ्ज़ है कि उमूर को तलकीन कि वो अपनी रियाया के साथ नरमी का मामला करें व नसीहतिहिम और जो लोग उनके ताबे हों जिन पर वो ज़िम्मेदार हों उनके साथ ख़ैर खाही का मामला करें वह शफ़त अलैहिम और उनके साथ शफकत का मामला करें यानी कोई इंसान जब किसी के का ध्यान रखता है उसके साथ नरमी और मोहब्बत बरतता है खौफ के जज्बे के तहत इशफाक़ का लफ्ज जो है वो खौफ के लिए इस्तेमाल होता है कोरमीद कहता है कि वो लोग के जो अहल जन्नत होंगे असाबुल यमीन होंगे वो ये कहेंगे इन्ना कुन्ना कबलू फ़ी अहलना मुशफ़ीन कि भाई इससे पहले दुनिया में हम अपने घर वालों में डरे काँपे रहते थे लड़ते हुए रहते थे तो मतलब ये है कि इश्फाक के अंदर या शफ़कत के अंदर एक खौफ का एलिमेंट भी है अपने बारे में भी खौफ है कि भाई मैं अगर उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करूँगा तो अल्लाह के यहाँ पकड़ होगी और उनके हवाले से भी खौफ है कि अगर भाई मैं इनके कि इनकी मसाले का ख्याल नहीं रखूँगा तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जहन्नुम का ईंधन बन जाएं ये गुमराह हो जाएं जो क्रमिर ने कहा है ना कि कु किसकुम व अहली कुम नारा तो अपने घर वालों पर शफक़त का भी सबसे बड़ा मजहर क्या है कि इंसान उनके बारे में अल्लाह से डरे उनको भी अल्लाह से डराए और उनके बारे में खुद अल्लाह से डरे तो कहा कि वलातमूर को तलकिन करना अपनी रियाया के साथ नरमी बरतने की उनके साथ खैर खाही का मामला करने की और उनके साथ शफकत का मामला करने की व न ही गश हिम व तशदीद आल हम वह माली मसाल यानी तलकन तो की है नरमी की तलकिन तो की है खैर खाही की तलकन तो की है मोहब्बत और रहमत व शफ़त की और मना किस चीज़ से किया है अन उनको धोखा देने से उनका उनके साथ बिट्रेल करने से मना किया है वह तशदीद अल और उनके साथ शिद्दत बरतना उनके साथ सख्ती बरतना इससे मना किया गया है वह एमाली मसाल हिम और जो उनकी मसलहतें हैं जो ऐसी चीज़ें हैं जो उनके फ़ायदे की हैं जो उनके नफ़े की हैं उनसे कोताही करने से रोका है कि भाई इंसान जो है वो सरफ़ नज़र करे उनके मसाले से इससे अल्लाह ताला ने है रोका है अन हम व अन हवाज और किस चीज़ से मना किया है कि उनसे गफलत बरतना और उनकी हवाइज से उनकी हाजतों से उनकी ज़रूरतों से गफलत बरतना फिर मैं तर्जुमा बयान कर देता हूँ ये बाब है कि जिसमें हुक्म दिया गया है उन लोगों को कि जो ज़िम्मेदार हैं कि अपने मातहत लोगों के साथ नरमी का मामला करें खैर खाही का मामला करें उनके साथ शफकत का सलूक करें और मना किया गया है उनके साथ धोखा करने से उनको सख्ती करने से और उनकी मसलहतों को से सरफ़ नजर करने से और उनसे और उनकी हाजतों से गफलत बरतने से कुरान मजीद की दो आयतें हैं इमाम लेकर आए हैं आबिल रजीम बिसमीम व फिर जनाहा का लिमन तब आका मिनमिन ये सूर की आयत नंबर दो सौ पंद्रह है कि नबी अलैहि वसल्लम अपने पहलुओं को अपने शानों को झुका कर रखिये उन लोगों के लिए जो अहल ईमान में से आपकी पैरवी करते हैं और ये अमर है रसूल सल्ला सल्ल वसम को कि आप वो लोग के जो आपके पैरोकार हैं और जो अहल ईमान हैं और जो आपकी इतबा करते हैं आप उनके साथ नरमी का मोहब्बत का शफकत का मामला करें और ये उस हस्ती से कहा जा रहा है जो पहले ही खुद ही तब आन, बहुत ज्यादा रहीम और शफीक है कमीद की इस पर गवाही है कि लक मिन आजीजुल आलई अलैहि मा आन तुम हरीसुन बिल तुम रऊफुर रहीम नऊफ़ुररीम ये पैगंबर वो हैं जो अहले ईमान के साथ रऊफुर रहीम हैं ये और रहीम का वस्फ़ अल्लाह सिफात में से है लेकिन अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फ़रमाया कि ये अहले ईमान पर इंतहाई रहमत और राफ़त का मामला करने वाले और ख़ुद फरमाया कि फबीमा रहमत ही लिन तहम ये अल्लाह का बड़ा फजल है बड़ी इनायत है अल्लाह की बड़ी रहमत है उसकी आप पर कि आप इन लोगों के साथ नरम हैं वलोकन तजन गलीजल अगर आप जो हैं वो तुंद रू होते आपकी गुफ्तु का अंदाज सख्ती वाला होता और आपका दिल भी सख्त होता यानी आप संग दिल होते लन तो ये लोग आपके गिरद से छट जाते तितर बितर हो जाते तो उस सब के बावजूद कि नबी अक्रम सल वसम के यहाँ रहमत और राफ़त का गलबा था इसके बावजूद अल्लाह तला ने पैगम्बर को तलकिन की है कि जो लोग भी आपके ताबे हैं आपके पैरोकार हैं अहले ईमान में से आप जो हैं वो उनके साथ नरमी का मामला करें तो गोया इमाम ये बता रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के वकील हैं और उम्मत के लिए उसवः हसना हैं तो गोया उनके ज़रिए उम्मत के तमाम अफराद को और ख़ास तौर तो पर उन लोगों को जो जिम्मेदारी के मनसब पर फाइज़ हैं जिनके मातहत कुछ लोग हैं उनको कहा जा रहा है कि जो लोग भी उनके नीचे हैं उनके साथ नरमी का रहमत का मामला करें अगली आयत सूर्य नहल की आयत नंबर नबे है और बहुत मशहूर आयत है आमतौर पर जुमोहों के खुतबों में भी तलावत की जाती है इलाम आदल वल एहसान व ईता इजिलक़ुरबा वन्हा अनिलफहशा इ वल मुन करब याकुम लाअकुम तरक्कर बेशक अल्लाह ताला हुक्म देता है अदल का और एहसान का और देने का कराबतदारों को और मना करता है अल्लाह रोकता है फोहश से मुनकर से और सरकशी से वो तुम्हें नसीहत करता है ताकि या शायद तुम नसीहत हासिल करो तो अदल का हुक्म दिया गया है अदल कहते हैं जो जिसका ड्यू है जो जिसका बनता है वो दिया जाए उसमें कोताही ना की जाए उसमें कमी ना की जाए एहसान कहते हैं फेवर को यानी जो बनता है उससे ज्यादा दिया जाए और कहीं आपका किसी के ज़िम्मे था वो छोड़ दिया जाए ये एहसान है कि अल्लाह ताला बंदों के साथ बंदों को ये कहते हैं कि भाई अदल तो मिनिमम है वो तो लीगल है लेकिन असल जो मुतालबा है अल्लाह का अपने बंदों से वो एहसान का है अल्लाह के नबी ने फ़रमाया इन का तबल ए एहसान अला कुल ताला अल्लाह हर चीज़ पर एहसान को लिख दिया खूबसूरती को लिख दिया है एक्सेलेंस को लिख दिया है फेवर को लिख दिया तो कहा कि अल्लाह ताला अदल और एहसान का हुक्म देते हैं और कराबत दारों को देने का हुक्म देते हैं कुरबा में वो लोग भी हैं जो आप जिनका आपके साथ रहमी रिश्ता है खूनी रिश्ता है और करा क़रीब वो लोग भी हैं जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं जो आपकी वैसनिटी में रहते हैं और हर लिहाज से जो करीब है यानी जहाँ आप काम करते हैं मिसाल के तौर पर तो वो लोग जो वहाँ पर इर्द गिर्द आपके कलीग्स हैं वो भी एक मानों में कराबतदार हैं जहाँ आप जो है वो रहते हैं जो इर्द गिर्द आपका जीवार है जो आपका पड़ोस है वो भी कराबतदार है और फिर जो हकीीकी मतलब है करापत का वो तो है ही कि जिनके साथ आपका खूनी रिश्ता है तो अल्लाह ताला हुक्म देता है उनको देने का उनको अता करने का और तीन चीज़ों से अल्लाह मना करते हैं फोहश से फोहश कहते हैं इंतहाई कभी चीज़ हर वो चीज़ जो क़बाहत में शनात में हद से निकल जाए उसको फोहश कहते हैं और ख़ास तौर पर हमारे यहाँ इसका जो इतलाक़ किया जाता है वो बदकारी के हवाले से जना के हवाले से या हया के मामल में जब इंसान इहराफ करता है बेशर्मी का मामला करता है उसके लिए लव इस्तेमाल होता है फ़ोहश का और मुनकर और अब फोश और मुनकर यानी जाहरी बात है कि फ़ोहश भी एक ख़ास तरह का मुनकर ही है लेकिन उसकी एक अलग अहमियत थी इस वजह से अलग से उसको निकाल के बयान किया कि भाई तमाम मुनकरात से अल्लाह मना करता है ख़ास तौर पर फ़ोश से मना करता है और बाश से मना करता है बग़ी भी एक खास तरह का मुनकर ही है हर गुनाह मुनकर है लेकिन फ़ोश उसका ताल्लुक जो है या इंसान के हवाले से जाती ज़िंदगी से उसका ताल्लुक है प्राइवेट लाइफ से उसका ताल्लुक है निज से उसका ताल्लुक है जबकि बगी का ताल्लुक जो है वो दूसरे से होता है किसी पर सरकशी करना किसी के साथ ज्यादती करना किसी पर म करना तो अल्लाह ताला मना करता है फ़ोहश से भी हर तरह की बुराई से और ख़ास तौर पर दूसरों पर सरकशी से और वो तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम नसीहत अखज़ करो तो यहाँ पर भी इमाम ये बता रहे हैं कि वो लोग के जो आपके कराबतदार हैं जो आपके इर्द गिर्द हैं जिन पर आप इंचार्ज हैं तो उनके साथ अदल और एहसान का मामला जो है वो किया जाए वानबन उमर रजी अल्लाह तुम कल समा वसम कुल्लक राइन वकुल्कुम मसूलआन रईयती ही ये हदीस पहले भी हम इस किताब में पढ़ चुके हैं बहुत अहम हदीस है फरमाया कि तुम सब के सब अपनी अपनी जगह पर ज़िम्मेदार हो एक चरवाहे की तरह हो और तुम में से हर एक से सवाल किया जाएगा उन लोगों के के बारे में जो उनके मातहत थे जो उनके ताबे थे यानी अगर इंसान एक गडरिया है तो गा जो उसका गल्ला है जो उसकी भेड़ें हैं उसके बारे में उससे सवाल किया जाएगा अब नबी अक्रम सल्ह सफसील फरमाई एक तो अल्लाक़ फरमा दिया अब गोया तयन से फरमा रहे हैं राइन व ही, जो इमाम है जो हुक्मरान है जो उम्र है वो एक निगरान है वो एक चरवाहा है वो एक ज़िम्मेदार है और उससे उसकी राइयत के बारे में वो लोग के जो उसके मा तहत हैं जो उसकी ज़िम्मेदारी के तहत हैं उसके बारे में सवाल किया जाएगा अब देखें ये वो लफ्ज़ है राइय का जो, जो मैंने कहा ना कि अब एक मनफ़ी उसका मफहम बना दिया गया है हालांकि राइय का मतलब क्या है कि वो लोग कि जिनकी रियायत करना जिनका ध्यान करना जिनका ख्याल रखना जिनकी ज़रूरतों की किफ़ालत करना आपके ज़िम्मे है तो फरमाया कि जो इमाम होता है और इमाम का लफ्ज़ यहाँ पर हुक्मरान के मानों में जिसको हम इमाम कुबरा कहते हैं इसके बाद फरमाया कि वह व रजुल्राफ़ी अहली व मसूलअन रईयती और कोई शख्स और ख़ास तौर पर यहाँ इससे मुराद जो है वो मर्द है कि जो मर्द है वो निगरान है वो ज़िम्मेदार है अपने घर वालों पर और उससे उसके घर वालों के बारे में सवाल किया जाएगा अब देखिए इमाम साहब ने तर्जमतुलबाप कायम किया था वलातलमूर के बारे में उमर जो हैं उनको तलकिन अब यहाँ इमाम साहब ये रिवायत लेकर आए हैं ये बताने के लिए कि किलॉमर सिर्फ हाकिम नहीं होता खलीफ़ा नहीं होता वज़ी अज़म और सदर नहीं होता बल्कि हर ज़िम्मेदार शख्स होता है और जैसा कि हमारी आदत पहले भी रही है अभी भी है कि हम आम तौर पर सारा जो ज़िम्मेदारी है वो हुक्मरानों पर डाल देते हैं हालांकि हम में से हर आदमी की एक जूरिस्ट है और हम में से हर आदमी कहीं ना कहीं उलुल अमर है कहीं ना कहीं हाकिम है कहीं ना कहीं आमिर है अब आमिर का भी जो है वो मनफ़ी है आमिर का मतलब क्या होता है हुक्म देने वाला तो हम में से बहुत से लोग हैं कि जिनका हुक्म चलता है किसी का घर में चलता है किसी का दफ्तर में चलता है किसी का किसी इदारे में चलता है तो कहा कि जो मर्द है जो शौहर है जो बाप है वो ज़िम्मेदार है और वो अपने घर वालों पर जिम्मेदार है और जो लोग उसके ताबे हैं उनके बारे में उससे सवाल किया जाएगा वलमरअराइत बैती जवूजी हा व मसऊलतअयती हा और जो औरत है और बीवी है और माँ है वो अपने शौहर के का जो घर है उसके ज़िम्मेदार है और उससे सवाल किया जाएगा उसकी रईयत के बारे में जो उसके ताबे यानी एक लिहाज से जो जिसको हम फैमिली कहते हैं तो फैमिली या ख़ानदान ख़ानदान का सरबराह जो है वो तो मर्द होता है वो तो बाप होता है लेकिन घर की सरबराही डिफेक्टो और अमली जो होती है वो बीवी के हाथ में होती है वो माँ के हाथ में होती है तो कहा कि जो औरत है जो बीवी है जो माँ है वो ज़िम्मेदार है अपने शोहर की जो घर है उसकी ज़िम्मेदार है और उससे भी सवाल किया जाएगा उसके शोहर के घर के बारे में राइन फ़ी माली सैदी व मसूल अरइयती ही और एक खादिम, एक मुलाजिम एक ग़ुलाम वो अपने सैद अपने सरदार अपने आका अपने मालिक के माल पर निगरान है उसका जिम्मेदार है और उससे सवाल किया जाएगा उसके मातहत उसके जीर निगरानी जो भी अशिया हैं उसकी बाबत तो अब गया नबी अक्रम सल्ह स फिर और आखिर में फिर फ़रमाया वह कुल्लुकुम रायन व मसूल अन रही इब्तदा भी यहाँ से कि कोई आदमी ये ना समझे कि वो ज़िम्मेदारी से मावरा है हर आदमी ज़िम्मेदार है किसी की जिम्मेदारी का साइज़ छोटा है किसी की जिम्मेदारी का साइज़ बड़ा है और अगर कोई शख्स ये ख्याल करता है कि भाई मैं तो बिल्कुल अकेला हूँ मुजर्रद हूँ और मैंने निकाह भी नहीं किया और मैं फ़ाइनेशली भी अभी इंडिपेन्डेंट नहीं हूँ तो वो अपने वजूद पर अपनी जात पर निगरान है और जो उसकी अल्लाह ताला ने उसके नफ्स के ताबे आँखें रखी हैं कान रखे हैं नाक रखी है हाथ रखे हैं पाँव रखे हैं तो इसके बारे में उससे सवाल किया जाएगा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पूरा स्पेक्ट्रम बता दिया यानी एक हुक्मरान से लेके एक घर के मुलाजिम तक आपने बता दिया कि जिस तरह हाकिम जो है वो मसूल है उसी तरीके से घर का सरबरा मसूल है उसी तरीके से घर की जो अमला इंचार्ज होती है औरत वो जो है मसूल है और इसी तरीके से वो खादिम जो काम करता है घर में वो ज़िम्मेदार है अल्लाह ताला तम सबको अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करने की तोफ़ी कता फ़रमाएँ